झांसी में ग्राम पंचायतों में 2,27,00,000 का घोटाला हुआ है। चुनाव करीब है, करीब दर्जन भर ग्राम पंचायतों में घोटाला हुआ है। ऑडिट में ये बड़ा घोटाला पकड़ा गया है। प्रधान सचिव की मिलीभगत से हुआ है। अभी तक गबन की रिकवरी नहीं हुई है, आदेश के बावजूद नहीं हो सकी है वसूली। एक दर्जन ग्राम पंचायतों में यह घोटाला हुआ है और अब तक पैसे की रिकवरी नहीं हुई है। खबर यही है, आदेश के बावजूद अब तक रिकवरी नहीं हुई है। इसमें ग्राम प्रधान और सचिव दोनों इन्वॉल्व हैं। एसएस झा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। एसएस झा, ऑडिट में यह बड़ा घोटाला सामने आया था लेकिन अभी तक गबन की रिकवरी नहीं हो सकी है। बिल्कुल सही बात है। आपको बता दें कि झांसी जिले में 15 से अधिक ऐसे गांव हैं जहां पर ग्राम पंचायत है, जहां पर सचिव और प्रधान की मिली भगत से बड़ा घोटाला हुआ है। आपको बता दें 2,27,00,000 से अधिक घोटाला हुआ है, जिसमें आपको बता दें कि 2016-2017 में 15 गांव ऐसे पाए गए हैं जहां पर ऑडिट के समय घोटाला पाया गया, लेकिन अभी तक धन वसूली की कोई कार्रवाई नहीं हुई। शुक्रिया एसएस झा इस जानकारी के लिए। इसमें प्रधान और सचिव दोनों इन्वॉल्व थे और करोड़ों का घोटाला हुआ है लेकिन अब तक पैसों की रिकवरी नहीं हो सकी है। ग्राम पंचायतों में 2,27,00,000 रुपए का घोटाला हुआ है। ऑडिट में ये बात खुलकर सामने आ गई, आदेश के बावजूद वसूली नहीं हो सकी है। करीब एक दर्जन भर गांव इससे प्रभावित थे, यानी सरकार पैसे भेज रही थी गांवों के विकास के लिए और इधर प्रधान जी और सचिव मिलकर करोड़ों अपनी जेब में रख रहे थे, बैंक में रख रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, उनके आलीशान घर बन रहे थे और जनता नाली के लिए, जनता पानी के लिए, जनता सड़क के लिए, जनता आवास के लिए इधर उधर भटक रही थी। तो ऐसे ग्राम प्रधानों से आप सभी